खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जिला कार्यालय पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा जिला कार्यालय बिगवाड़ा पर बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। साथ ही किच्छा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले निकायों के मंडल अध्यक्ष प्रभावी के साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव बेहद नजदीक हैं और हम सभी को अभी से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक वार्ड में स्तर पर संयोजक, सह संयोजक और प्रभावी नियुक्त किया जाए, जिससे वार्ड में सक्रिय और निकाय चुनाव के लिए इच्छुक कार्यकर्ताओं से समन्वय किया जा सके। इसके तहत ही प्रदेश अध्यक्ष के सामने निकाय चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। चुनाव की रणनीति किस रूप में होगी, कैसे हम लोग हर वार्ड को जीत सकें, हमारी जो वार्ड की कमेटी है उसको सक्रिय करना है, मतदाता सूची को ठीक करना है और आगामी दिनों में जब प्रदेश हम प्रयोगशाला भेजेंगे उन प्रयोगशाला तक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक कार्यकर्ता अपने आवेदन करें, इन सारे विषयों को लेकर मेरा अपने जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के मंडलों के अध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी जिलाध्यक्ष हमारे बातचीत हुई है, तो इस पर एक मोटी चर्चा हम लोगों की है। जैसी नगर निगम का रिजर्वेशन फाइनल होता है तो हम आवेदन लेने प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम जितने भी आवेदन आएंगे उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे और पब्लिक सर्वे के आधार पर हम अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। इसकी रणनीति को मैं बताने के लिए चार जिले अभी मैंने प्रथम चरण में लिए हैं, जिसमें नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिला, अपना चंपावत जिला, पिथौरागढ़ जिला, इन चारों जिलों की प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम मेरा जाना हो रहा है। कार्य पद्धति बताना और चुनाव वार्ड का चुनाव भी जीतना, इन लक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य के श्री महेंद्र भट्ट जी पहुँचे, उनको मैंने बंगाली समाज की ओर से, मैं बंगाली महासभा उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ की सीट सामान्य आरक्षण होने पर मैंने अपनी प्रबल दावेदारी सामान्य सीट पर मेयर पद पर मैंने यहाँ उनके सामने प्रस्तुत की, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर अवश्य विचार किया जाएगा और मैंने अपना जीवन परिचय भी दिया। हमने जो संघर्ष किया है, मेरे पिताजी यहाँ सबसे पहले नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रहे और मेरे भाई अजीत शाह जी यहाँ दो बार जिला मंत्री रहे, मैं लगातार पार्टी की सेवा करता हुआ रहा, हमारा परिवार जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा है और इसी नाते हमने ये पूरे जोर तरीके से सभी दल बल के साथ हमने आज आवेदन किया है।